हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लाइज। हम लोग फैक्टर पढ़ रहे थे प्लेइंग विथ नंबर में, फैक्टर पढ़ लेते हैं, हम लोग नेक्स्ट पढ़े हैं मल्टीप्लाइज पढ़ेंगे। मल्टीप्लाइज में देखना है कि नंबर विच इज मल्टीप्लाई ऑफ ईच ऑफ दिस फैक्टर, मतलब कि ये डिफिनेशन रहा मल्टीप्लाई का, मतलब कोई भी फैक्टर किसी भी नंबर का फैक्टर जो होता है उसके मल्टीप्लाई में होता है। जैसे कहने मतलब कि हम देखते हैं, सपोज कि 18 का लेते हैं, 18 से फैक्टर निकालते हैं हम लोग, तो 18 फैक्टर क्या होगा, 1, 2, 3, 6, 9। हम बताए थे केवल अभी आधा तक जाना है, 50 आधा गए, आधा के जाने के बाद सीधे हम क्या कर देंगे 18 लिख देंगे। बीच में हम लोग 9, 10, 11, 12 को चेक नहीं करना है क्योंकि वो आएगा ही नहीं है। ये फैक्टर निकालने का तरीका था, फैक्टर पढ़ा रहे थे उसमें देखे थे हम लोग कि आधा तक जाना है उसके बाद नहीं जाना है। तो ये रहा आपका फैक्टर, तो फैक्टर ये जो रहा आपका फैक्टर रहा, जितना ये फैक्टर रहा चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 6 9 18, इस सभी के टेबल में 18 आएगा। जितना भी टेबल देखेगा सभी के टेबल में 18 आएगा। 2 9 जा क्या होता है 18 होता है, 3 6 जा 18 होता है, 6 3 जा क्या होता है 18 होता है, 18 1 जा क्या होता है 18 होता है। तो सभी के टेबल में 18 आएगा। तो ये मल्टीप्लाई हुआ, मतलब जितना भी किसी नंबर का फैक्टर होता है वो सभी क्या क्या होता है उसका मल्टीप्लाई होता है। तो उस पर कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी है कि जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो ही मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर उसे इक्वल होगा तो ग्रेटर होगा। मल्टीप्लाई मतलब होता है क्या, ये देखिए ऐसे हम टेबल पढ़ते हैं। टेबल हम लोग याद किए हैं 10th तक, हम लोग टेबल जो याद किए किसी का टेबल जो 2, 4, 5, 6, 7 जिसका भी टेबल हम लोग याद किए वो 10th तक याद किए, लेकिन 10th तक ही ख़त्म नहीं होता है, वो कंटिन्यूस आगे और बढ़ता जाता है। ठीक है, तो किसी का भी मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, जैसे हम करते हैं 5 का ही करते हैं, तो 5 1 जा 5, क्योंकि टेबल शुरू होता है क्या से 1 शुरू होता है। ठीक है, 1 शुरू होता है, फिर 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ठीक है, ये जो टेबल पढ़ रहे हैं हम, तो शुरू मेरा कहाँ से होता है 1 से शुरू होता है और आगे जहाँ तक चलते जाए, इसीलिए बोला गया है जो शुरू हो स्टार्टिंग जो होगा और नंबर विच इज ग्रेटर देन, उसे क्या होगा ग्रेटर होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो भी नंबर क्या होगा इसे मल्टीप्लाई जो होगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये नंबर क्या होगा बड़ा होगा। जो भी गिवन नंबर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया है वो बड़ा होगा, नहीं तो क्या होगा वो इक्वल हो, इक्वल करने का मतलब कि ये 5 के बराबर होगा, नहीं तो क्या होगा वो बड़ा होगा। ये हुआ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब होता है जिस टेबल पढ़ते हैं 5 5 5 3 5 4 20 5 5 25, इसी को बोला गया है मल्टीप्लाई। यही हमारा क्या है मल्टीप्लाई में। और किसी भी नंबर का फैक्टर, ये किसी भी ये नंबर है मेरा 18, इसका जितना फैक्टर होगा उस सब का मल्टीप्लाई होगा, ये जितना भी होगा उस सब का मल्टीप्लाई होगा, हर एक फैक्टर का जो मल्टीप्लाई होगा आपका ये नंबर गिवन नंबर दिया रहेगा। तो देखिए जो मल्टीप्लाई होगा किसी भी नंबर का, जो अब हम 5 का निकालें, मान लो आप 8 का निकालते हैं, 8 का टेबल पढ़िए, 8 1 जाए 8 8 2 जाए 16 8 3 जाए 24। देखिए जो शुरू जो होता है कभी मल्टीप्लाई का टेबल शुरू कहाँ से होता है 1 से शुरू होता है, और ये पहला क्या होता है सेम नंबर, वही सेम नंबर होता है, सेम नंबर। डेट मीन्स की जो हमको दिया मल्टीप्लाई निकालने के लिए 8 का मल्टीप्लाई ऑफ 8 बोला गया है, तो जो 8 बोला गया है ये जो मल्टीप्लाई होगा 8 से 8 का इक्वल होगा, नहीं तो क्या वो बड़ा होगा, कभी भी छोटा नहीं होगा, जान लीजिए। क्योंकि 1 के बराबर होगा तो सेल्फ नंबर है, उसके बाद जो भी टेबल पढ़ेंगे 2 3 4 5 6 सोन जहाँ तक चलते जाए वो उसे बड़ा ही होगा। ये पहला प्रॉपर्टी रहा मल्टीप्लाई का। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए क्या आता है, सेकंड प्रॉपर्टी में है कि वो नंबर ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ अ गिवन नंबर इज इन्फिनाइट। ये जो मल्टीप्लाई जो होगा किसी भी नंबर का, वो किसी भी नंबर का जो मल्टीप्लाई होगा इन्फिनाइट होगा। इन्फिनाइट मतलब कि जहाँ तक चला जाए वो खत्म नहीं होने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, वो गिनती कंटिन्यूस हो चला जाए। जैसे हम लोग पढ़ें, हम 5 का ही लिख रहे थे, तो 5 का 12 पढ़े, 5 1 5 5 5 10 5 3 15 5 5 25 5 6 30 5 6 35 5 4 5 9 40 हम लोग 50 तक ही पढ़े। ये देखिए ये 50 तक हम लोग शुरू से क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन टेबल आपका यहीं तक एंड नहीं होता है। ठीक है, यहाँ 5 10 जा 15 करके हम लोग एंड कर दिए, लेकिन 5 10 15 तक ही एंड नहीं होता, ये आगे जहाँ तक बढ़ाते चल जाइए, 5 11 जा 55 5 12 5 60 65 70, ये सोन के आगे बढ़ता चल जाएगा। ये आगे 5 का टेबल, यहाँ हम 5 का टेबल 10 तक पढ़े हैं,
ठीक है, यहाँ बोला गया है नंबर ऑफ मल्टीपल, नंबर ऑफ मल्टीप्लाई जो होगा वो इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी करने मतलब कि अंत नहीं होने वाला वो, ठीक है। किसी भी नंबर का मल्टीपल, ये हम लोग फाइव का लिए हैं, फाइव का मल्टीपल लिए हैं, हमने फाइव का मल्टीपल लिया है इसने में, तो इसका जो तो नंबर हम लोग पढ़े टेन तक, तो ये टेन तक ही सीमित नहीं होता, वो आगे की ओर फाइव इलेवन जा, फाइव ट्वेल्व जा, फाइव थर्टीन जा, फाइव फोर्टीन जा, फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन, इस तरह क्या हो जाएगा आपको, ये फाइव फिफ्टीन जा सेवेंटी फाइव, फाइव एट जा सोलह पचासी, इस तरह आगे क्या होगा, सिक्सटीन का टेबल सेवनटीन एटीन नाइनटीन, क्या वो चलता चल जाएगा आगे, बहुत इन्फिनिटी है, ये सर लिमिट नहीं है, सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन हज़ार लाख तक, ये इन्फिनिटी है, ये अंत नहीं होने वाला है। जैसे आपका होल नंबर पढ़ाते हैं, होल नंबर क्या शुरू होता है, होल, अच्छा नेचुरल नंबर, होल नंबर शुरू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इस तरह आगे नाइन टेन आगे बढ़ता चला जा रहा है। उसे नेचुरल नंबर पढ़ाते हैं आपको, नेचुरल नंबर शुरू होता है वन से, शुरू होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये जहाँ तक गिनती हम जा रहे हैं वो गिनती वहाँ तक ये लिखते थे, ये फाइव वन जा फाइव है, ये फाइव टू जा हुआ, ये फाइव थ्री जा हुआ, ये फाइव टेन जा हुआ, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, जहाँ तक गिनती आप गिनते जा रहे हैं वहाँ तक उसका मल्टीपल होगा। तो इसलिए इसका जो किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होगा वो बिल्कुल ही इन्फाइनाइट होगा, इन्फाइनाइट मतलब अंत होने वाला नहीं है, वो गिनती लगातार चलता चल जाएगा, ठीक है, किसी भी नंबर का। और कोई भी नंबर शुरू होता है कहाँ शुरू होता है, वन से शुरू होता है, वो अपने आप से भी शुरू होगा। ये कोई भी नंबर, ये एट है, टेबल पढ़ेंगे एट का, तो एट एट जा भी आता है, एट एट और सिक्सटी फोर, वो अपने नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा और वन से भी क्या वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये रहा होगा प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी में देखे क्या था कि कोई भी मल्टीपल, किसी भी नंबर का मल्टीपल जो होगा वो अपने नंबर की इक्वल होगा, नहीं तो बराबर होगा, और बड़ा होगा, बराबर नहीं बड़ा होगा, बराबर होगा नहीं तो क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे फाइव का टेबल पढ़े, तो ये फाइव का मल्टीपल ऑफ फाइव, मल्टीपल ऑफ फाइव निकालना है, तो मल्टीपल ऑफ फाइव निकालना है, तो ये क्या फाइव जो इसका आंसर आएगा फाइव होगा, मतलब ये इक्वल होगा, नहीं तो उसे क्या होगा, बड़ा होगा। सेकंड में क्या था, किसी भी नंबर मल्टीपल जो होता है वो इन्फिनाइट जा सकता है, कोई फिक्स नहीं है कहाँ तक जाएगा। और मल्टीपल में क्या प्रॉपर्टी है, किसी भी नंबर का, ये किसी भी नंबर का फैक्टर, ये नंबर दिया हुआ, गिवन नंबर एटीन दिया हुआ, इसका जितना फैक्टर होगा, जितना भी फैक्टर होगा वो सभी के मल्टीपल में ये होगा, सभी के मल्टीपल, थ्री का टू का टेबल पड़े, थ्री का टेबल पड़े, वन का टेबल पड़े, सिक्स का, नाइन का, एटीन का, किसी का टेबल पड़े, वो सभी के मल्टीपल में ये आपका नंबर होगा, ठीक है। ये रहा आपका मल्टीपल, लेकिन क्वेश्चन में जो आपको दिया रहेगा, क्योंकि मल्टीपल तो इन्फाइनाइट है, मल्टीपल क्या इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट मल्टीपल में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा मल्टीप्लाई निकालने के लिए, तो फिक्स दिया रहता है, ऐसा नहीं कि दिया रहेगा फाइव का मल्टीपल निकाले तो इन्फाइनाइट दिया रहेगा, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा मल्टीपल ऑफ फर्स्ट, देखिए फर्स्ट लिखेगा, फर्स्ट फाइव लिख देगा, चाहे सिक्स लिख देगा, चाहे कुछ भी लिख देगा, फर्स्ट सिक्स, फर्स्ट फाइव, फर्स्ट टेन, ऐसा कुछ लिख देगा, ऑफ मल्टीपल ऑफ फर्स्ट फाइव, ऑफ सेवन, चाहे एट, चाहे सेवन लिख दिया, ठीक है। सेवन का फर्स्ट फाइव मल्टीपल निकलना है, ठीक है, क्योंकि ये तो इन्फाइनाइट है, हम सेवन का टेबल पढ़ना चाहें तो इन्फाइनाइट तक चला जाए, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में इसलिए ये क्वेश्चन में लिख दिया जाता है कि आपको कहाँ तक जाना है। फर्स्ट फाइव मतलब क्या होता है, सेवन वन जा सेवन, ये हुआ शुरू करना, फर्स्ट शुरू होता है कहाँ से, वन से शुरू होता है, किसी भी का मल्टीपल शुरू होता है हम लोग को वन से शुरू होता है, इसलिए फर्स्ट मतलब यहाँ फर्स्ट करना है, सेवन टू जा फोर्टीन, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, सेवन फाइव जा थर्टी फाइव, ये देखिए फर्स्ट फाइव हुआ, ये हुआ आपका फर्स्ट फाइव, फर्स्ट फाइव करने मतलब शुरू, ये फर्स्ट फाइव मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, रैंडमली नहीं उठाना है, ऐसा नहीं लिख देना कि सेवन फाइव फोर जा, सेवन फाइव जा, सेवन सिक्स जा, सेवन एट जा, सेवन सेवन जा और सेवन एट जा, ये कहीं से नहीं उठाना है, ये भी फाइव है, ये भी क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव सेवन का मल्टीपल में फाइव, लेकिन ये नहीं उठाना, आपको लेना है कौन, फर्स्ट फाइव बोला है, फर्स्ट फाइव, ये देखिए वर्ड यूज कर दिया, आपको बांध दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बांध दिया कि फर्स्ट फाइव लेना, ये सेवन फोर जा सेवन फाइव जा सेवन सिक्स सेवन 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 एट जा नहीं लेना है, लेना है फर्स्ट फाइव, सेवन वन जा सेवन टू जा सेवन थ्री जा सेवन फोर जा सेवन फाइव, तो ये क्वेश्चन जो मल्टीपल का आता है ये समझने की चीज़ है कि फर्स्ट फाइव बोल दिया गया, फर्स्ट सिक्स बोला गया, फर्स्ट सेवन बोला गया, क्योंकि मल्टीपल जो इन्फाइनाइट है, ठीक है। ये रहा वो, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, उसी हिसाब से आपको मल्टीपल बनाना है। आगे आपका एक परफेक्ट नंबर है, वो देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है परफेक्ट नंबर,
परफेक्ट नंबर। देखिए परफेक्ट नंबर क्या होता है, किसी नंबर का फैक्टर जो हुआ, किसी नंबर का फैक्टर का सम ट्वाइस ऑफ द नंबर होना चाहिए। सम ऑफ द फैक्टर जो होता है, सम ऑफ द फैक्टर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर। किसी भी सम का, किसी भी फैक्टर का सम कीजिएगा, उसका जो होगा ट्वाइस ऑफ नंबर, उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एग्जांपल है सिक्स, सिक्स का फैक्टर निकालना है हमको। तो सिक्स का फैक्टर क्या होगा, सिक्स का फैक्टर निकालने का होगा वन होगा, टू होगा, थ्री होगा और सिक्स होगा। देखिए फिफ्टी तक जाना है, उसका फोर फाइव ट्राई नहीं करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में सम ऑफ द फैक्टर बोला गया, सम ऑफ द फैक्टर क्या है, मतलब आपका ये फैक्टर रहा, ठीक है, ये आपका रहा फैक्टर, इसका सम करेंगे हम लोग, मतलब वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सिक्स करेंगे तो क्या होगा मेरा, ये ट्वेल्व आएगा, ठीक है। ये हुआ सम ऑफ द फैक्टर, जो मेरा फैक्टर था उसको हम सम किए तो ये आया ट्वेल्व। ट्वाइस ऑफ द नंबर, ट्वाइस मतलब क्या होता है, ट्वाइस मतलब दुगना होता है, मतलब मल्टीप्लाई बाय टू, ट्वाइस मतलब होता है दुगना मल्टीप्लाई बाय टू। तो किसी नंबर को दो से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ नंबर, ट्वाइस ऑफ नंबर, ट्वाइस मतलब क्या हुआ, दुगना हुआ। तो ये नंबर मेरे पास कितना था आपका, सिक्स था, तो सिक्स इंटू टू करें तो क्या मेरा आएगा, ट्वेल्व। तो ये जो मेरा नंबर कहलाएगा, ये जो सिक्स कहलाएगा वो मेरा परफेक्ट नंबर कहलाएगा, ठीक है। परफेक्ट नंबर मतलब होता है सम ऑफ द फैक्टर, किसी भी फैक्टर का सम, जिसे हम सम किए, इसका फैक्टर निकाले मेरा फैक्टर ये आया, ठीक है, इसका हम सम किए, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सिक्स, मेरा आंसर आया ट्वेल्व आया। फिर उसके बाद बोला गया ट्वाइस ऑफ नंबर, ट्वाइस मतलब इंटू टू, तो ये मेरा नंबर दिया, सिक्स मेरा नंबर क्वेश्चन में गिवन था, सिक्स का फैक्टर निकालना था, तो उसको हम ट्वाइस किए, तो सिक्स इंटू टू के मेरा आंसर क्या आया, ट्वेल्व आया। तो ये मेरा कहलाता है परफेक्ट नंबर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हम लोग, सपोज ये 28 लेते हैं, ये मेरा 28 नंबर है, ये 28 परफेक्ट नंबर है या नहीं इसको पता करना है, ठीक है। तो 28 परफेक्ट है या नहीं इसको पता करने के लिए हम पहले निकालेंगे इसका फैक्टर निकालेंगे, पहले से क्या निकालेंगे लो फैक्टर, तो फैक्टर क्या निकालेंगे इसका देखते हैं, फैक्टर वन टू थ्री नहीं होगा, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 14। देखिए हम फैक्टर जब निकालने के लिए बताए थे कि केल जाना है 50% तक जाना, मतलब उसका आधा तक जाना है, हम लोग वन से किए, टू से किए, सेवन फोर से किए, सेवन से किए, फिर उसके बाद क्या किया हमने 14 से, इसके बाद कोई भी ट्राई नहीं करना है, आधा के बाद कोई भी ट्राई नहीं करना फैक्टर निकालने के लिए, सिंपल सा लिख देना जो सेम नंबर है वो लिख देना। ये फैक्टर जब पढ़ा रहे थे हम आपको बताए थे कि आधा तक ही जाना है फैक्टर निकालने के लिए, चेक करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसका सीधे वो नंबर लिखाना है, उसके बाद चेक नहीं करना है। तो देखिए ये मेरा हो गया फैक्टर, ये जो मेरा हो गया ये फैक्टर कहलाया, ये 28 का ये फैक्टर वन टू फोर सेवन, वन टू फोर सेवन फोर्टीन और 28 ये मेरा फैक्टर कहलाया, इस नंबर का ये फैक्टर। तो परफेक्ट नंबर के लिए क्या चाहिए, परफेक्ट नंबर के लिए हमको चाहिए सम ऑफ द जो नंबर होना चाहिए, जो सम करेंगे फैक्टर का वो ट्वाइस ऑफ नंबर होना चाहिए परफेक्ट नंबर के लिए। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ द फैक्टर निकालेंगे, सम मेरा फैक्टर क्या है इसको सम करेंगे हम लोग। तो सम ऑफ द फैक्टर, देखिए सम ऑफ द फैक्टर, तो फैक्टर को मेरा क्या है, वो ये फैक्टर है, ये सब मेरा फैक्टर है, वन प्लस टू प्लस फोर प्लस सेवन प्लस फोर्टीन प्लस 28, देखिए ये करेंगे हम लोग, ठीक है ना। परफेक्ट नंबर पता करने के लिए, कोई नंबर परफेक्ट है या नहीं है उसको पता करने का तरीका ये बता रहे हैं आपको। हम लिख दें 28, हम लिख दें 6, ये परफेक्ट नंबर है या नहीं है, ये परफेक्ट नंबर है यानी उसको कैसे पता करते हैं, तो इसके लिए तरीका है, पहले फैक्टर निकालिए, फर्स्ट प्रोसेस को फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने में उसको क्या करना, सम करना, क्योंकि हम परफेक्ट नंबर वो होता है सम ऑफ द फैक्टर होता है इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द नंबर, उसको सम करेंगे। सम करते हैं हम लोग कितना देखते हैं, 10 14 14 28 दूनी 54 56 ये हुआ 56 10 14 14 28 56 ठीक ये 56 56 आया है, ठीक है। और सेकंड में क्या चेक करना है, ट्वाइस, अब ट्वाइस ऑफ नंबर, ट्वाइस ऑफ नंबर, ठीक है, दोनों सेम होना चाहिए तब कहलाता है। जैसे यहां पे सिक्स में देखे थे, सिक्स का फैक्टर मेरा ये था, आज का आंसर क्या आया, ट्वेल्व आया। ट्वाइस ऑफ नंबर क्या, आज का आंसर आया ट्वेल्व। दोनों जब बराबर हो गया तब कहेंगे सिक्स इज अ परफेक्ट नंबर, तब कहलाता है
सिक्स इज द परफेक्ट नंबर, तब सिक्स परफेक्ट लाएगा। अब इस तरह इसको चेक कर रहे हैं हम लोग, फैक्टर का सम 56 आया, ट्वाइस करेंगे, ट्वाइस मतलब दुगना, ये ट्वाइस मतलब फिर बता रहे हैं दुगना होता है, मतलब डबल होता है, मतलब इंटू टू। तो मेरा नंबर क्या दिया हुआ था, नंबर है हमारा 28 है, 28 को हम दो से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आया 56 आया, ये क्या है 56। मतलब आपका जो फैक्टर का सम और ट्वाइस ऑफ नंबर दोनों को दोनों क्या आया यहाँ 56, दोनों मतलब क्या हो गया आपका इक्वल हो गया, दोनों क्या हो गया इक्वल, मतलब कि सम ऑफ फैक्टर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अ नंबर, ये दोनों जब इक्वल होता है तब कहेंगे 28 इज द परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, तब कहा 28 इज अ परफेक्ट नंबर। तो ये रहा परफेक्ट नंबर निकालने का तरीका, किसी भी नंबर परफेक्ट निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका फैक्टर निकालिए, सिक्स से फैक्टर निकालिए, फैक्टर निकालिए, फिर फैक्टर का सम करिए, वो जो सम होगा किसी उसके नंबर का ट्वाइस होना है तब कहलाता है वो परफेक्ट नंबर।